हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ब्लाउज़ में मटकी सेप गला। देखिए दोस्तों, बुकरम इसकी 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई है। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है बुकरम को, इस तरह से। और यहाँ से हमें मटकी सेप गला का सेप देना है, इस तरह से। उसके बाद में बुकरम को यहाँ से सीधा करना है और इधर उसी शेप में हमें कटिंग कर देनी है, इस तरह से। और यहाँ से शुरू कर देना है काटना, इस तरह से। बिल्कुल वही शेप निकालना है जो इसमें कटिंग हुई है। और ये हमारा गला कट चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कटने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये हमारा कपड़ा है और इसमें हम अटैच करेंगे इस तरह से। कुछ लोग हाथ से ही अटैच कर लेते हैं कच्चा लगा के, लेकिन मशीन से भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से मशीन से अटैच कर सकते हैं। और ऊपर की ओर हमें पकड़ लेना है सही से, इस तरह से। इस तरह से दबाव को कट कर देंगे हम, आधा इंच का दबाव छोड़ेंगे। यहाँ पर कुटके लगाएंगे दोस्तों, बराबर करके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पर भी। इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम गले को। ऊपर वाला जो कपड़ा है एक्स्ट्रा में, वो फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये फोल्ड हो चुका है दोस्तों। और अब हम इसमें इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से निशान लगाएंगे बराबर से। यहाँ पर कुटका लगाना है हमें और नीचे की ओर चाक से निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद में बैक साइड को उठाना है। ये हमारी बैक साइड है, तो इसे हमने सेंटर पर इस तरह से रखा और पीछे भी सेंटर पर एक सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से। और उसके बाद में इसे अटैच करेंगे। कुछ लोग इसमें पिन लगाकर अटैच कर लेते हैं, लेकिन सिलाई से इस तरह से करते हैं। इसकी किनारे किनारे मशीन चलानी है, बिल्कुल बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमने चला लिया और इसका सेंटर गलत हो गया था, तो हमने दोबारा से किया है। तो यहाँ से दोस्तों हमें कटिंग कर देनी है इसकी, इस तरह से दबा को छोड़ते हुए। इस पर कुटके लगा लेने हैं जहाँ तहाँ पर, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। अगर नहीं लगाना चाहें तब भी नहीं, नहीं बन यानी कि लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तब भी बनेगा। फिलहाल लपकी सिलाई लगाने से थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि बुकरम का गला है तो कटने का डर कम रहता है। वैसे यहाँ से उधरने लगता है, लेकिन सिलाई लगने के बाद उधरने के चांस नहीं रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये गला बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये गला बनाना अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनल लुक इस तरह का आएगा, डोरी बनाकर तैयार कर दी हमने। देखिए दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो।